हेलो ऑल, वेल्कम टू पेबल्स. माई सेल्फ मनमीत प्रेजेंटिंग मॉम स्टारी टू यू. तो आज जो मैं मॉम स्टारी का चैप्टर खोलने जा रही हूँ, वो खोलने जा रही हूँ कि हाउ कैन वी बी अ गुड वाइफ. हम कैसे एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं, कैसे हम अपने हस्बैंड्स को अपने साथ घर के कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें भी एहसास दिला सकते हैं कि ये घर हमारा है. तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं कोई आपको टिप्स या ट्रिक्स नहीं दूंगी इस वीडियो में, या कुछ मैं आपको सिखाऊँ पढ़ाऊँगी नहीं. मैं सिर्फ आपसे नॉर्मल बातें करूँगी जो आपको भी पता होंगी, मुझे भी पता है. तो बस हम थोड़ी सी भूल गए हैं उन बातों को, बस हम वही करेंगे और मेबी ये फ्यूचर में जाके आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके घर के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी होंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. जो सबसे पहली बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो यही है कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए. अभी कैसा होता है कि हम लोग तो डिमांड करते हैं कि हम लोगों को बहुत रिस्पेक्ट चाहिए उनसे, कि आप हमसे ऐसे क्यों बात किए, आपने हमसे ज़ोर की आवाज़ में क्यों बात की, आपने हमसे चिल्ला के क्यों बात की. हम लोग बहुत, हम लड़कियां इन चीज़ को बहुत प्रेफरेंस देते हैं. तो सेम चीज़ उनके साथ भी इन्वॉल्व है कि हमें उन्हें भी खूब ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको बटरिंग करिए या उनके पीछे पीछे रहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ. बस उनसे थोड़े अच्छे से पोलाइटली बात कीजिए, जो भी उन्हें चाहिए खाना पीना वो प्रोवाइड कीजिए. अगर वो ऑफिस से आ रहे हैं तो एकदम उनके ऊपर बातों की बौछार मत कर दीजिए कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया. नॉर्मली उन्हें भी सांस लेने दीजिए, पानी वानी पीने दीजिए और उसके बाद अपनी बात कहिए, लेकिन बहुत ही नॉर्मल वे में कहिए. दूसरी चीज़ मैं कहने चाहूँगी कि आज के ज़माने में हर कोई इंडिपेंडेंट है. जितने इंडिपेंडेंट लड़के हैं उतनी ही इंडिपेंडेंट लड़कियाँ भी हैं. कहीं ना कहीं लड़कों की सोच भी बहुत बदली है. हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, अभी बहुत कम हो चुका है डोमेस्टिक वायलेंस. है, मैं ये नहीं कहती, बट कम है. पहले जो रेट था उससे बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि आज के ज़माने में जो भी दोनों कपल्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है. तो उससे बहुत फ़र्क पड़ चुका है इस चीज़ पे कि उनकी जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत ही कम हो चुकी है. तो इस चीज़ का हमें फायदा कह लीजिए उठाना चाहिए, या आप कह लीजिए कि इस चीज़ को हमें एक पॉजिटिव वे में लेके, हमें उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि हम लोग ही डोमिनेट करने लग गए हैं. बहुत बार ऐसा होता है, या तो वाइफ्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती हैं इस चीज़ को लेके. आप ये मत कीजिए. अगर कोई लड़का ये नहीं अपनी वाइफ को कुछ कह रहा या कुछ नहीं चिल्ला रहा, तो आप ये उसकी अच्छाई समझिए कि उसे समझ है कि मुझे एक वुमेन को कैसे रिस्पेक्ट देना है, मुझे एक वुमेन को कैसे प्रिंसेस की तरह रखना है. कोई लड़का किसी से नहीं डरता, कोई लड़का किसी लड़की से, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं डरता. बस द थिंग इज़ कि आप भी उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट लेवल दीजिए. डोमिनेशन मत कीजिए, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपका डोमिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही आजकल जो सोच है वो बहुत ही चेंज हो चुकी है. ये ज़्यादा न्यूली मैरिड्स के लिए है कि आप लोग शुरू से ही ऐसा माहौल रखिए कि आपको आगे जाके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि आती है हाउस चोर्स की बात, कि हस्बैंड्स हेल्प नहीं करते हैं हाउस चोर्स में. पहली बात तो आप उन्हें काम ही वो दीजिए कि जो वो कर सकते हैं. आप ये मत सोचिए कि अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता तो चलो तुम मेरे लिए खाना बनाओ. वो कैसे बनाएगा यार जब उसे आता ही नहीं है. तो आप कोई ऐसा काम दीजिए कि जो वो कर सकें, और उस काम को आप मत छूरिए, बिल्कुल मत छूए उस काम को, वो उन्हें ही करने दीजिए. पर ये नहीं कि अगर वो बिज़ी हैं, वो ऑफिस में हैं, वो रात को 2 बजे आ रहे हैं, सुबह उन्हें फिर 7 बजे निकलना है, तो आप सोचिए कि वो 2 बजे आके रात को वो काम करेंगे. नहीं, प्लीज़ आप वो खुद कर लीजिए अगर इतना ज़्यादा है तो. लेकिन अगर कुछ उनका वीकेंड ऑफ है या वीक ऑफ है तो, और आपको पता है उनके पास टाइम है और उनकी तबीयत ठीक है, तो आप वो काम उनके लिए छोड़ सकती हैं. और आप उन्हें पोलाइटली बोलिए, पाउंस करके मत बोलिए, पोलाइटली बोलिए, देखिए ये काम आप कर दीजिएगा, ये अच्छा
नहीं होता है तो मेरे से अच्छा नहीं होता है, बहुत ही प्यार से बोली। जैसे अभी अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे हस्बैंड क्लीनिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्लीनिंग इन एनी सेंस, मतलब चाहे वो कोई भी चीज़ को क्लीन करना हो, चाहे कोई कपड़ा हो या कोई जगह की सफाई हो, चाहे बर्तन हो, बहुत ही अच्छी क्लीनिंग करते हैं वो। तो क्या होता है काफ़ी बार कोई ऐसा किचन टावल रह जाता है या कुछ है जो मेरे से साफ़ करने में भी ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं होता। सो मैं उनसे ऐसे नहीं कहती चलो धो, आई डोंट से लाइक दिस, आई बहुत ही आराम से प्यार से ओके देखिए मैंने साफ़ किया है, मुझसे ज़्यादा अच्छे से हुआ नहीं, आपसे बहुत अच्छे से होता है, आप प्लीज़ करिए मेरे लिए। तो ही वॉज लाइक ओके फाइन गिव मी, और वो करके देते हैं। इससे क्या होता है कि उनका मेल ईगो भी नहीं हर्ट होता है और हमारा भी काम हो जाता है। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टेक्टफुली भी बात करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें नुक्स मत निकालिए, ओ माई गॉड ये ऐसे नहीं हुआ, ओ माई गॉड ये ऐसे नहीं हुआ। जैसे अभी हमारे घर में ही होता है कि जब मैं चपाती या पराठा बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक चपाती या पराठा सीख रहा है इतनी देर में मैं दूसरा बेल लेती हूँ, और उस पर जब ऑयल लगाना है या कुछ लगाना है तो मैं स्पून से हल्का सा स्प्रेड करती हूँ। बट जब मेरे हस्बैंड यही सेम काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक स्पैचुला का यूज़ करते हैं जिससे ऑयल वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर, और उसे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं कि जो गैस स्टोव होता है वो भी आसपास का गंदा हो जाता है। और सेकेंडली वो क्या करते हैं कि वो जब बना रहे हैं कोई चपाती या कुछ तो वो एक जब तक नहीं बनती उसका फिर गैस सिम करके फिर उसे रोल करते हैं दूसरी को, मतलब एक पूरी कंप्लीट हो गई फिर दूसरी वो रोल करेंगे। तो पहले क्या होता था, मुझे बहुत ही इरिटेशन होती थी, यार ये काम तो करते हैं पर मेरे लिए उल्टा फैला देते, पूरा गैस स्टोव गंदा कर देते हैं और इतना गैस वेस्ट जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया अगला बंदा काम तो कर रहा है यार, मेरा कुछ तो प्रेशर हल्का कर रहा है, अगर वो नहीं करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो चपातियाँ नहीं बनाएगा पराठा नहीं बनाएगा तो ठीक है मैंने जहाँ पे सब्ज़ी बनाई वो भी बना लूँगी, बट वो मेरे को वो टाइम दे रहा है, वो बना रहा है और ही इज़ प्रोवाइडिंग विद मी विद हॉट फूड। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि वो जैसे भी काम कर रहे कर तो रहे हैं कम से कम। देखिए कभी ऐसा काम होता है जो माँ बेटी भी एक जैसा नहीं कर सकती है, सास बहू भी एक जैसा नहीं कर सकती हैं, कभी कभी आपकी जो मदर इन लॉ होंगी वो अलग तरह से काम करती होंगी, आप अलग तरह से काम करती होंगी, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी अलग तरह से करती हूँ वो भी अलग तरह से करते हैं, मेरी मदर भी अलग तरह से करती हैं मैं भी अलग तरह से उस काम को करती हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, वो उनका तरीका है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है करने दीजिए, एटलीस्ट उन्होंने आपको काम करके तो दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो अलाउ हिम टू डू वट एवर ही इज़ डूइंग, बार बार बीच में टोका टाकी मत कीजिए। तो देखिएगा वो भी अपना समझ के क्या, उनका अपना है ही है वो घर, और वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होके वो काम करेंगे। और दूसरा, उन्हें ऐसा मत फील करे कि आप करो वो काम, मैं कर रही हूँ तो आप भी करो, मैं उठ रही हूँ तो आप भी उठो, मैं ये कर रही हूँ तो आप भी करो, नहीं करेंगे वो, कभी हस्बैंड्स नहीं करेंगे अगर आप उनसे इस तरह से एक्सपेक्ट करेंगी। तो हर हस्बैंड को पता है कि मुझे अपनी वाइफ को इक्वली ट्रीट करना है, इक्वालिटी देनी है, ज़्यादा फेमिनिज्म मत कीजिए उनके साथ, और क्योंकि अगर आप करेंगे तो वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, प्यार से बोलेंगे तो सब मान लेंगे, लेकिन अगर आप चिल्ला के एक्सपेक्ट करती हैं या उन्हें डोमिनेट करके एक्सपेक्ट करती हैं वो कभी नहीं मानेंगे। आज मैं देखती हूँ कि जो हस्बैंड्स हैं, जो लड़के हैं, वो खुद से ये महसूस करते हैं कि हमारी वाइफ भी वर्किंग है, हम लोग इतना थक जाते तो वो भी थक जाती होंगी, हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए घर के काम में। और मैंने अपनी सराउंडिंग्स में भी ये बहुत देखा है और मैंने अपने फैमिली में भी ये बहुत देखा है कि आजकल सब लड़के करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लड़का हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, नहीं कोई नहीं बैठता, सब एक हेल्प करते हैं अपनी वाइफ को, सब बच्चों के काम में या कुछ भी सब कामों में हेल्प करते हैं यार। इट्स जस्ट द थिंग कि आप किस तरह से उस हेल्प को लेती हैं। पहले मैं भी बहुत पाउंस करती थी कि मैं भी पहले ये करती थी, अरे आप ऐसे काम करते हैं आप ऐसे काम करते हैं, पर धीरे धीरे मैंने देखा यार अगला बंदा कर रहा है मेरे लिए तो आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, एल्स ये करने की अरे ऐसा है वैसा है ठीक है
कर तो रहा है, इतना शुक्र करो। पहले की अगर आप टाइम सोचे हमारे मदर फादर का, तो फादर्स तो हमारे हेल्प ही नहीं करते थे मदर को। इट वॉज एक फादर्स तो चलो फिर करते थे होंगे, मतलब उनसे पहले का भी अगर आप टाइम देखिए, थोड़े समय पहले का भी अगर आप टाइम देखेंगे, तो एक वो रहता था बीवी है वही करेगी सब कुछ। एक लेडी का काम होता था सिर्फ घर संभालना। पर आज ये सोच बहुत हद तक बदल चुकी है। अगर आप कोई भी हाउस जो करा रहे हैं तो बिल्कुल प्यार से और नम्रता से बात करिए तो डेफिनेटली वो करेंगे। अगली टिप ये है कि आप उन्हें, जो परिवार है उनका, उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप लोग उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देंगे तो वो 100% आपकी फैमिली को बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार से ट्रीट करेंगे। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ट्राई कीजिए कि आप उनकी फैमिली को काफ़ी रिस्पेक्ट दीजिए कि वो भी आपकी भी फैमिली को और आपको भी बहुत रिस्पेक्ट दिए देंगे। जब एक लड़का देखता है कि एक लड़की मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसे भी मन में होता है कि मुझे भी रिस्पेक्ट देनी है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके मदर फादर का काफ़ी टेक केयर कीजिए। अगर आप उनके माँ बाप की इज्जत करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ रहेगी और वो आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। चाहे उनके मदर फादर आपको जैसे भी ट्रीट कर रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगली बात मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि हर चीज़ को अपनी ईगो के साथ तोल के मत देखिए। कभी कभी झुकना पड़े तो झुक जाइए। देखिए, अगरबत्ती भी तभी जलती है जब हम थोड़ी झुकाते हैं। अगर सीधी खड़ी रहेगी तो वो भी नहीं जलती है, थोड़ा सा झुकाएंगे तो वो भी चलती है। तो इसी तरह से आप ट्राई कीजिए, अगर आपको कभी थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है अपने हस्बैंड के आगे तो झुक जाइए। कोई अपना पति है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं ये कहूँगी आपसे कि अगर आप घर में खुशहाली चाहती हैं, आप खुशी चाहती हैं, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। काफ़ी खुशी से उन्हें भी रखिए और खुद भी रहिए, तभी आपका होम एक हैप्पी होम हो पाएगा। हमेशा पॉजिटिविटी रखिए घर में, खुशी का माहौल रखिए, तो देखिए घर कितना ही अच्छी जगह हो जाएगी। और एक अच्छी वाइफ वही होती है जो घर को बहुत ही सलीके से रखे और बहुत ही खुशियां संजो के रखे। सलीके से रखने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ साफ़ सफाई कर दीजिए, अरेंज ऑर्गेनाइज कर दीजिए, नहीं। सलीके से रखने का ये मतलब है कि हर चीज़ को आप सलीके से रखिए। एक रिलेशनशिप को जहाँ जो रिस्पेक्ट, जो अथॉरिटी चाहिए वो दीजिए, जो जिसकी जो जगह है उसे वो जगह प्रोवाइड कीजिए, तभी आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। सो ऑन दिस नोट मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। और जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। तो हमेशा अपने रिलेशनशिप में भी आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और फिर देखिए कि कितना अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक दूसरे से प्यार से रहिए, बट अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश रखिए दोनों। क्योंकि अगर आप दोनों खुश होंगे, आप दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी वो घर भी पॉजिटिविटी से भरेगा, वो घर खुशियों से भरेगा। तो इस नोट पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।